strong. देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख। आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधिक बलवान कौन पाठ के कठिन अथवा नए शब्दों को उनके अर्थों तथा वाक्य प्रयोग के साथ। तो चलिए जानते हैं अधिक बलवान कौन पाठ के कठिन या नए शब्दों को उनके अर्थ, अंग्रेजी अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के साथ। सबसे पहला शब्द है बहस। बहस का अर्थ होता है बातचीत या तर्क वितर्क। बहस का अर्थ होता है बातचीत या तर्क वितर्क। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इंग्लिश में इसको डिस्कशन या डिबेट कह सकते हैं। बहस को इंग्लिश में डिस्कशन या डिबेट कह सकते हैं। इससे वाक्य होगा राम और श्याम में बहस छिड़ गई। राम और श्याम में बहस छिड़ गई। दूसरा शब्द है बलवान। बलवान का अर्थ होता है मजबूत या शक्तिशाली। बलवान का अर्थ होता है मजबूत या शक्तिशाली। यह एक विशेषण है और इंग्लिश में इसको पावरफुल कहते हैं। बलवान को इंग्लिश में पावरफुल कहते हैं और इससे वाक्य होगा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तीसरा शब्द है ताकत। ताकत का अर्थ होता है बल या शक्ति। ताकत का अर्थ होता है बल या शक्ति। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। ताकत को इंग्लिश में पावर कहते हैं। इससे वाक्य होगा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। चौथा शब्द है ज़्यादा। ज़्यादा का अर्थ होता है अधिक। ज़्यादा का अर्थ होता है अधिक। यह एक विशेषण है और इसको इंग्लिश में मच या मोर बोल सकते हैं। ज़्यादा को इंग्लिश में मच या मोर बोल सकते हैं। इससे वाक्य होगा तुम ज़्यादा तेज मत बनो। तुम ज़्यादा तेज मत बनो। पांचवा शब्द है नज़र। नज़र का अर्थ होता है निगाह या दृष्टि। नज़र का अर्थ होता है निगाह या दृष्टि। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इंग्लिश में इसको साइट कहते हैं। नज़र को इंग्लिश में साइट कहते हैं। इससे वाक्य होगा हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। छठा शब्द है फायदा। फायदा का अर्थ होता है लाभ। फायदा का अर्थ होता है लाभ। यह एक पुल्लिंग शब्द है और इसे इंग्लिश में एडवांटेज कहते हैं। फायदा को इंग्लिश में एडवांटेज कहते हैं। इससे वाक्य होगा वह हमेशा अपना फायदा देखता है। वह हमेशा अपना फायदा देखता है। सातवां शब्द है तपना। सातवां शब्द है तपना। तपना का अर्थ होता है धूप से गर्म होना। तपना का अर्थ होता है धूप से गर्म होना। यह एक अकर्मक क्रिया है। इंग्लिश में इसे बिकम हीटेड कह सकते हैं। तपना को इंग्लिश में बिकम हीटेड कह सकते हैं। इससे वाक्य होगा सूरज तपना शुरू किया। सूरज
तपना शुरू किया, सूरज तपना शुरू किया। आठवां शब्द है कोट। कोट का अर्थ होता है अंगरखा या एक ऊपरी परिधान। कोट का अर्थ होता है अंगरखा या एक ऊपरी परिधान। यह एक संज्ञा है और इंग्लिश में इसको कोट ही कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कोट कहते हैं। इससे वाक्य होगा, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। नौवां शब्द है झगड़ा। झगड़ा का अर्थ होता है लड़ाई। झगड़ा का अर्थ होता है लड़ाई। यह एक पुल्लिंग शब्द है। इंग्लिश में इसको फाइट या क्वेरल कह सकते हैं। झगड़ा को इंग्लिश में फाइट अथवा क्वेरल कह सकते हैं। इससे वाक्य बनेगा, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। दसवां और अंतिम शब्द है नमस्कार। नमस्कार का अर्थ होता है प्रणाम। नमस्कार का अर्थ होता है प्रणाम। और इससे वाक्य होगा, हवा ने सूरज को नमस्कार किया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। तो इसी शब्द के साथ अधिक बलवान कौन पाठ के 10 कठिन अथवा नए शब्दों को हम लोगों ने समाप्त किया। मिलेंगे एक और नए वीडियो में और जानेंगे अधिक बलवान कौन पाठ के सभी प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को। तो तब तक के लिए शुभ विदा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।